जो आप लोग ने देखा ये है पोंचो जो मैंने कल ही खरीदा था, तो सोचा नहीं था इतना जल्दी इसका काम आएगा। तो कोलकाता में बहुत बारिश, मुझे अभी काम से निकलना था और अभी अभी जस्ट अभी बज रहे 4 बजे शाम के और अभी जस्ट इतना ज़ोर से बारिश गिरना चालू किया था। आज सोचे थे थोड़ा बाहर जाएंगे, मोटर ब्लॉगिंग करेंगे आप लोग के लिए, कुछ अच्छा से कंटेंट बनाएंगे, लेकिन ये जो बारिश देख रहे हैं तो अभी सोचा कि इसको निकालते हैं, जो खरीदे तो इसको यूज़ करते हैं। चलो तो यही पहन के जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, अपना काम भी हो जाएगा, वीडियो भी हो जाएगा। तो मुझे मालूम है थोड़ा लेट लेट वीडियो आ रहा है, लेकिन बहुत सारे प्लान्स हो रहे हैं, कैंसल्स हो रहे हैं इस वेदर के लिए, तो कुछ शेड्यूल वाइज कुछ प्लानिंग वाइज नहीं हो रहा, तो भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ा तो शेड्यूल वाइज कुछ तो करना होगा, वीडियो बनाना ही है भाई, मैं बहुत दिन हो गया वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, तो भाई आज वीडियो बनाएंगे, कैसी भी हो आप लोग तो अच्छा ही कंटेंट देंगे। तो मिलते हैं ऑन द गो ऑन द बाइक। तो भाई पोंचो पहनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा इतना लंबा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, मेरा नी लेवल तक ही है ये पोंचो, तो अभी ले लिया तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो अभी इसको ऐसे पहनेंगे, इसके ऊपर हेलमेट पहनेंगे और निकल जाएंगे भाई फुल सेफ्टी। हाँ गाइस, तो आई एम ऑन द रोड। तो मैं आप लोग को बोल रहा था कि तब बहुत बारिश हो रहा है, तो बारिश हो रहा है तो मैं रेडी होते होते निकलते निकलते बारिश तो हो चुका है बंद। तो मैं हूँ अभी थोड़ा टालीगंज साइड में हूँ, जो लोग कोलकाता से रहने वाले हैं उन लोग को मालूम है टालीगंज किधर है, तो थोड़ा सा काम के लिए जा रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं कहाँ जाते आते थोड़ा वीडियो भी बना लेते, आप लोग से बात भी कर लेते, बहुत दिन कोई वीडियो नहीं, थोड़ा बात भी नहीं हुआ इतना दिनों से कुछ नहीं। तो भाई थैंक यू वापस से, क्योंकि मेरा जो दीघा वाला वीडियो था उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड अपकमिंग और भी ट्रिप्स का प्लान मैं कर रहा हूँ, तो देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं। तो अभी सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत वीडियो क्वालिटी और क्वालिटी थोड़ा अपग्रेड करेंगे सोच रहे थे, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एज इफ मैं फ़ोन से शूट करता हूँ अपना व्लॉग्स वगैरह, तो कि एक नया फ़ोन लिया जाए अच्छा सा जिसका क्वालिटी अच्छा है, कैमरा का टाइप्स ऑफ फ़ोटोग्राफी कर पाएंगे वीडियोग्राफी कर पाएंगे वैसा कुछ ले वैसा फ़ोन, या फिर मुझे एक जगह से अच्छे रेट में हीरो 5 मिल रहा है और ये इसने पूरा कीचड़ उठा के चला गया, अच्छे रेट में हीरो 5 मिल रहा है, तो अभी देखते कौन सा लेते, हीरो 5 लेते ते हैं या फिर एक अच्छा सा फ़ोन लेते हैं जिसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, तो आप लोग सजेस्ट करो क्या आप लोग को पसंद आएगा। ओके तो चलो गाइस थोड़ा सा कुछ अलग बात करते हैं, थोड़ा ये आप लोग कमेंट करके बोलना कि आप कौन सा अपग्रेडेशन पसंद करोगे, तो मैं वैसे सोचूंगा। तो अपने पास दो ऑप्शन है, हीरो 5 या फिर एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन, आप लोग सजेस्ट करो कौन सा अच्छा रहेगा। तो और तो भाई कुछ है कुछ, चलो इंटर के बारे में आज सारा बात करते, बहुत ही इंटर को लेके कुछ बोला भी नहीं, कुछ वैसे वीडियो बनाए हुए नहीं, तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने इंटर के ऊपर जो मैंने लिया था लास्ट ईयर नवंबर में। तो नवंबर और इस साल अभी है अगस्त, मतलब लगभग इट्स 9 मंथ्स मैंने इंटॉर्क ले लिया है, तो 9 मंथ्स में मैंने चलाया है 7,682 किलोमीटर्स, मतलब 7,500 किलोमीटर ही आप लोग पकड़ लो। तो भाई अभी तक मुझे
अपने एंटॉर्क में वैसा कोई इशू या फिर कुछ ऐसा परेशानी मुझे नहीं मिला जिसके लिए मुझे बार बार सर्विस सेंटर दौड़ना पड़े या फिर जाके दे के रखना पड़े सर्विस सेंटर में 2-3 दिनों के लिए। वैसा कुछ इशू अभी तक आया नहीं है मेरे पास। मेरे एंटॉर्क में जो इशू है ना वो बहुत रेयर है, बहुत जनों का इशू है ये, जो क्लच वेट वाला जो नॉइज़, इरिटेटिंग वाला जो नॉइज़ है। उस दिन मुझे भी एक जन ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, पूछ रहा था भाई ऐसे इसको कैसे ठीक किया जाए। तो अभी तक मुझे भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है इसका। अगर एनी एंटॉर्क यूज़र्स ओवर देयर, अगर आप लोग को मालूम है कि कैसे इस क्लच प्लेट के इरिटेटिंग वाले नॉइज़ को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है तो सजेस्ट करो नीचे कमेंट में। जो मैं बोल रहा था वो जो क्लच प्लेट वाला इरिटेटिंग वाला नॉइज़ है वही एक माइनस पॉइंट मेरे हिसाब से मेरे एंटॉर्क में है, क्योंकि इसके अलावा कोई इशू नहीं है मेरे एंटॉर्क में। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा टीवीएस वालों से, इट वाज अ ग्रेट इन्वेंशन स्कूटी में किल स्विच, लेकिन आप लोग का किल स्विच का थोड़ा प्रोडक्ट क्वालिटी थोड़ा बढ़ाओ भाई, बहुत चीप क्वालिटी का है, हल्का थोड़ा बारिश में भीगते ही ये काम करना बंद कर देता है कभी कभी। मेरा भी ये तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ऊपर आई लिंक पे आ रहा होगा, देख लेना भाई। मेरा बहुत इशू आ रहा था, ये बंद नहीं हो रहा था, कभी कभार 3-4 बार ऑफ करने के बाद इंजन बंद होता था, या फिर 10-15 सेकेंड बाद बंद होता था कि स्विच। तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ लगा था। तो फिर मैंने सर्विस सेंटर गया था, जैसे मैं बोला था कि WD-40 वो लोग मुझे सजेस्ट किया कि एंटी रस्टिंग सोल्यूशन है, उसको स्प्रे मारो, अगर काम नहीं करता है तो चेंज कर देंगे। लेकिन उन लोग ने मारा, मैंने भी फिर एक खरीद के रखा है WD-40 का, वो यूज़ किया तो इट्स वर्क्ड, वर्क करता है भाई। चलो चलते इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए अब बस इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अभी इसके बाद थोड़ा बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आने वाले हैं। एक R15 है मॉडिफाइड version 2, तो भाई उसके बारे में एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, नए हो भाई सब्सक्राइब कर दो, अगर नए आ गए हो बहुत सारे वीडियोस हैं पहले वो जाके देखो, मेरे राइडिंग वीडियोस देखो, ये देखो प्लेलिस्ट है ऊपर, ये वाला प्लेलिस्ट क्लिक करो, क्लिक करके जाओ देखो, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करो। तो और नहीं बढ़ाते वीडियो को भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, परसों डेफिनेटली मिलेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Thank you.